हेलो दोस्त, आज हम बताएंगे कि आप भी अगर घर पर बोर्ड बनाना चाहते हैं तो किस तरह से बोर्ड बनाना है। आज मैं इस वीडियो में सब कुछ जानकारी दूंगा दोस्तों। तो अगर आप भी बोर्ड बनाना चाहते हैं तो घर पर ही बनाइएगा दोस्तों। आप रेडीमेड भी खरीद सकते हैं। अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। ये देखिए एंकर के हम इसमें फिट करेंगे तो इस तरह से हमारा जो खटा कटाव बोर्ड आता है दोस्तों, हमें जो सॉकेट बैठाने के लिए काटना पड़ेगा। तो सॉकेट बैठाने की ये देखिए दोस्तों, हमारा इतना जगह रहता है, इसको अगर काट के हम निकाल देंगे तो आपको सॉकेट बैठ जाएगा। ये देखिए हमने ऑलरेडी इसमें काट दिया है, हमने जो इसको तोड़ देना है। ये हमारा सॉकेट बैठने का जगह हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए हमने इस तरह से तोड़ दिया। अब ये जो हमारा ये सॉकेट है, ये देखिए दोस्तों बैठ गया आसानी से। तो हमें इस तरह लगा लेना है, इस तरह से देखिएगा दोस्तों, आपको भी इसी तरह से लगा लेना है। आप दोस्तों चाहो तो दो सॉकेट भी बैठा सकते हैं, आप चाहो तो एक सॉकेट बैठा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बोर्ड में बैठाएंगे दोस्तों दो सॉकेट। ये देखिए अब हमारा जो स्विच है, स्विच को भी हमें ये देख, आपको दोस्त बोर्ड बैठाते समय एक चीज़ का ध्यान में रखना होगा, ये जो हमारा एंकर का जो मार्क रहता है दोस्तों, ये ऊपर का साइड ही रहेगा एंकर के, तभी जो हमारा ये स्विच है काम करेगा दोस्तों, नहीं तो हमारा जो स्विच उल्टा काम करने लगेगा दोस्तों। कुछ लोग यही ध्यान नहीं देते हैं दोस्तों, तो बोलेंगे ये हमारा जो है, हमने बटन लगाया था दोस्तों तो ये हमारा बटन उल्टा लग गया है, उल्टा काम कर रहा है। तो इसी बात को ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए वो उल्टा काम करने लगता है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका बटन उल्टा नहीं होगा दोस्तों। इसी तरह से हमें सेम कर लेना है। ये देखिए सारा मार्कर ऊपर का ही हमारा रहेगा दोस्तों। हमें एक स्विच और बैठा लेना है, उसका भी हमारा जो है प्रिंट ऊपर ही रहेगा, जो कंपनी का मार्क रहता है। ये देखिए हमारा स्विच सॉकेट लगकर तैयार हो गया है दोस्तों। अब हमें इसको अच्छे से कस लेना है दोस्तों, हम कस के भी दिखाएंगे। अच्छे से हमें ये सीधा में दोस्तों टाइट कर लेना है, ताकि ये जो हमारा स्क्रो है अच्छा से टाइट हो जाए। वहाँ दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखेगा, ये देखिए हमारा जो गैप हो रहा है दोस्तों, ये गैप को हमें इसी में समाट लेना है, ये जो हमारे दिखाए ना। ये देखिए हमने नहीं ध्यान दिया, तो ये देखिए हमने टाइट किया तो ये वाला हमें दिख रहा है गैप, इसको हमें फिर से ढील करके उसके बाद सीधा कर लेना है, हल्का सा उधर करके इस तरह से आपको भी कर लेना है। हर एक स्विच सॉकेट को दोस्तों आपको अच्छी तरह से टाइट कर देना है।
ये देखिए हमारा जो है सभी सुई सॉकेट कसकर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें वायरिंग का बात करेंगे, तो हमने जो सुई सॉकेट का वायरिंग करके दिखा देता हूँ। उसके बाद हमें एक होल्डर यहाँ पर लगाना है। हम इसको दोस्तों मेन बोर्ड बनाएंगे, तो ये देखिए हमारा जो है दो EMCB भी इसमें हम लगाएंगे। तो EMCB और होल्डर सब कुछ मैं करके दिखाऊंगा। हमने जो है इसका पहले वायरिंग करके मैं तुमको दिखा देता हूँ किस तरह से वायरिंग करना है। अगर आप सादा बोर्ड बनाना चाहते हैं तो ये सादा बोर्ड बनकर तैयार हो गया है। लेकिन दोस्तों हमें जो है इसको मेन बोर्ड बनाना है, तो मेन बोर्ड बनाने में हमें EMCB का भी ज़रूरत पड़ेगा। ये देखिए हमारा जो पल्ट लेना है इस तरह से दोस्तों, उसके बाद वायर को छिल लेना है। आप किसी भी मदद से छिल सकते हैं, आप दांत से भी छिल सकते हैं अगर आपके पास कटर नहीं है। उसके बाद नीचे वाले हिस्से में दोस्तों न्यूट्रल देना है। ये देखिए दो होल रहता है स्विच में, देखिएगा दोस्तों, तो ये नीचे वाले में हमें इस तरह से कर लेना है दोस्तों। उसके बाद वायर को इस तरह से काट लेना है। फोल्ड करके फिर इसमें हमें नीचे वाले में ही करना है। सेम इसी तरह से चल लेना दोस्तों। ये देखिए हर एक बोर्ड में इसी तरह से रहता है वायरिंग। स्विच के नीचे वाले हिस्से में ही हमारा जो न्यूट्रल दौड़ता है दोस्तों, ये बात को आपको ध्यान में होगा। न्यूट्रल हमारा हर एक बटन में ही रहेगा। इस तरह से हमें ये तीनों स्विच को ढील कर लेना है, नीचे का हिस्सा स्क्रू जो है। फिर हमें इस तरह से डाल लेना है दोस्तों। फिर हमें इस तरह से टाइट कर लेना है। अब हमें जो है दोस्तों सॉकेट को स्विच से करना है, तो ये देखिए हमें इस तरह से फिर से कर लेना है। सॉकेट को एक हिस्सा को खोल लेना है इसको, उसके बाद में टाइट कर लेना है। अब आप जिस स्विच से करना चाहते हैं उस स्विच में आप जाके जोड़ सकते हैं। तो हमें जो है इसके बगल वाले में ही करना है। अगर आप भी इस तरह से बोर्ड बनाते हैं तो बगल वाले में भी ही करिएगा, क्योंकि दोस्तों जो हमारा है सॉकेट है वो बगल वाले से ही ज़्यादातर रहता है। अगर हमें नहीं जगह मिलता है बगल में तो ही हमें अलग करना पड़ता है। तो अब जो हमने नीचे वाले में न्यूट्रल दौड़ा है, अब ये हमारा ऊपर वाले में ये कर देंगे। उसके बाद हमारा जो है ये सॉकेट का हो गया कनेक्शन। ये देखिए दोस्तों सॉकेट वाले में ऊपर वाला में रहेगा। अगर आप बल्ब का या फिर पिन का किसी भी अगर आप बटन से करना चाहते हैं तो वो ऊपर का हिस्सा में रहेगा, बाकी न्यूट्रल नीचे में ही रहता है दोस्तों। तो हमें ये भी करना है, इस तरह से कर लेना है। हमें ये फेस के लिए दौड़ाना पड़ेगा दोस्तों। फेस के लिए भी हमें छिल लेना है वायर को।
उसके बाद ये देखिए हमने एक सिर में डाल दिया है, यानी एक सिर ये हमारा न्यूट्रल का होगा, ये हमारा फेस का होगा, तो इसमें भी हमारा जो है फेस रहेगा दोस्तों, तभी हमारा जो है न्यूट्रल फेस दोनों आएगा इसमें। तो अगर आप दोस्तों सादा बोर्ड बनाना चाहते हैं तो सादा बोर्ड का पूरा कनेक्शन हो गया है, जो हमारा खम्भे से दो वायर आएगा, एक इसमें हो जाएगा फेस में, एक ये न्यूट्रल मनी के नीचे वाले में किसी भी हिस्से में, चाहे इसमें या इसमें किसी भी में एक में कर लेना है न्यूट्रल। ये हमारा सादा बोर्ड बनकर हो गया, लेकिन हमें इसे मेन में बदलना है दोस्तों। तो मेन के बदलने के लिए ये देखिए हमें जो होल्डर भी लगाना है इसमें, तो होल्डर भी हमने लगा के दिखा देता हूँ। होल्डर के लिए आप होल्डर के सिधाई पर ही होल करिएगा दोस्तों, हमने ऑलरेडी ही इसमें जो है मार्कर से होल कर लिखा है, चिन्ह मार्क है। ये देखिए हमने जो है मार्कर से पहले मार्क करके उसके बाद में होल को कर लेना है दोस्तों। तो ये जो हमारा ये और ये स्क्रो का है दोस्तों, इसको जो हमने ये दो होल मारा है दोस्तों, ये हमारा वायर का ही रहेगा दोस्तों, इसमें जो वायर लगेगा, तो हमें इस तरह से कर लेना है दोस्तों। आपको भी इसी तरह से करना हो, उसके बाद में आप इस तरह से टाइट कर लेना है दोस्तों। ये देखिए हमने आपके सामने ही टाइट कर देता हूँ। आप इस तरह से भी आप मार्क मार सकते हैं, अगर आपके पास कोई रंग या फिर मार्कर नहीं है तो ये देखिए इस तरह से आएगा। तो अब हम जो है इसमें बताएंगे किस तरह से करना है वायरिंग इसका भी, तो इस तरह से वायर को डाल लेना है, फिर हमें उसके बाद छील लेना है दोस्तों, फिर हमें ये पेज को खोल लेना है, उसके बाद हमें इस तरह से डाल देना है इसमें भी अच्छे तरह से दोस्तों टाइट करिएगा, ताकि दोस्तों हमारा जो है वायर ढील रहता है तो हमारा जो है चिर 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 का आवाज़ आता है। आप ये गलती कभी भी मत करिएगा, आप वायर को हमेशा ही टाइट रखिएगा। ये देखिए हमारा जो है होल्डर का दोनों तार आया है दोस्तों। तो ये देखिए हमें जो बटन में करना है, जो बटन में उसका साइड एक काट लेना है, एक साइड हमारा जो है सॉकेट का ही रहेगा दोस्तों। हमने काट दिया है वायर को, हमें छील लेना है, उसके बाद एक वायर हमारा जो है सॉकेट में आ जाएगा, अच्छे तरह से जोड़ के टाइट कर देना है। एक वायर बटन का ऊपर आने की स्विच के ऊपर वाले हिस्से में ही रहेगा। ये हमारा बल्ब का भी कनेक्शन हो गया, अब हमें होल्डर को टाइट कर देना है। तो आप जिस तरह से मार्कर को मारे थे उस पर होल करके अब हमें टाइट कर देना है दोस्तों। देखिए हमारा टाइट हो गया, अब हमें MCB का बात करेंगे दोस्तों। तो MCB हमारा जो है इस ये कवर वाला है दोस्तों, तो इसी तरह से आपको धर लेना है बोर्ड पर। धरने के बाद आप काटी या किसी की मदद से इस तरह से इसमें पेच का भी मार्कर मार देंगे, उसके बाद में जो गैप है उसके बाद जो है गैप के हमारा दो दो वायर का रहेगा, आप काट देंगे बीच में। देखिए हमने जो है होल रेडी कर दिया है, एंकर का हम इसमें सब कुछ लगाए हैं दोस्तों, एंकर का हमारा स्विच सॉकेट होल्डर MCB हमारा जो 16 एम्पियर का है, ये भी एंकर का ही है।
तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो है ये जगह है दोस्तों, जगह एक ही MCB का है। तो ये देखिए कंपनी वाले दिए हैं, ये तोड़ देना है, उसके बाद में हमारा 2 MCB लग जाएगा दोस्तों। तो आपको पीस को तोड़ देना है, उसके बाद 2 MCB लगा सकते हैं आप। हमें टाइट कर देना है इसको प्लेट को पहले, अच्छे तरह से दोस्तों इसको टाइट करना है। कनेक्शन भी इसको कर लेना है दोस्तों हमें भी। इस तरह से हमें वायर को डाल लेना है। वायर को डालने के बाद दोस्तों इसमें जो हम MCB में वायर लगाएंगे दोस्तों, तो हमें ज़्यादा वायर छील लेना है, ताकि हमारा ज़्यादा वायर रहेगा तो हमें टाइट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ये देखिए MCB में दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आपका MCB उल्टा ना हो पाए। तो ये देखिए दोस्तों जो है MCB का हम बात करेंगे, तो MCB हमारा जो है, जो हमारा खम्भा पर वायर आता है वो नीचे ही रहेगा, जो हमारा घर का सप्लाई होता है वो ऊपर का ही हिस्सा रहेगा। अगर आप उल्टा कर देते हैं तो आपके घर में कोई भी फॉल्ट होगा तो MCB गिरेगा नहीं दोस्तों। अगर आप सीधा लगाते हैं तो आपके घर में कोई भी फॉल्ट होगा तो MCB गिर जाएगा दोस्तों तुरंत ही इस तरह से। अगर आप उल्टा लगा देते हैं तो उल्टा लगाने से MCB नहीं गिरेगा। तो ये देखिए दोस्तों जो हमारा कंपनी का होता है लिखा, तो हमारा इस तरह से। अब हमें जो वायर का बात करेंगे तो वायर हमारा जो घर का जो रहेगा बोर्ड का, ये हमारा ऊपर में रहेगा, बाकी जो हमारा खम्भे का वायर आता है वो हमारा नीचे हिस्से में ही रहेगा दोस्तों। तो हमें ऊपर साइड में ही कर लेना है दोस्तों इस तरह से। इस तरह से हमें टाइट कर लेना है। वायर को नाप लेना है इस तरह से, थोड़ा बहुत वायर बड़ा ही रहेगा दोस्तों तो अच्छी रहेगा। फिर हमें उसी तरह से कर लेना है जिस तरह से हमने अगले वाले में ही किया था। वायर को थोड़ा ज़्यादा ही छीलना है हमें, इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब हम दूसरा MCB भी लगाएंगे, तो दूसरा में भी हमें वही बात को ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा 1 MCB उल्टा, 1 MCB सीधा भी लग सकता है दोस्तों। जो MCB का हमारा दो वायर आया है दोस्तों, एक न्यूट्रल में रहेगा एक फेस में रहेगा। तो आपको न्यूट्रल और फेस में जोड़ देना है, यानी कि न्यूट्रल और फेस का हम बात करेंगे। तो एक हमारा जो है ये बटन का वायर हमने जो पहले दौड़ाया था उसमें भी कर लेना है। ये आप चाहे इसमें कीजिएगा या किसी में भी आप कीजिएगा। तो ये देखिए हमारा वायर वही है दोस्तों, ये देखिए। तो हमने जो है इसका साइज काट लिया है, तो अब हमें इसमें कर लेना है। हमारा जो फेस है, फेस के बात करेंगे तो ये वाला जो हमारा जो साकेट है, साकेट के दूसरे हिस्से में ही रहेगा। आप ये वायर दोस्तों इसमें भी जोड़ सकते हैं, इसमें भी जोड़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं कि जो है ये वायर का जहाँ जहाँ सप्लाई गया है उसमें भी आप जोड़ सकते हैं, चाहे जहाँ पर भी गया है।
इस तरह से हमें टाइट कर लेना है। ये हमारा दोस्तों सभी कनेक्शन हो चुका है। दोस्तों ये देखिए एमसीबी का जो दोनों वायर है दोस्तों, ये हमारा एक न्यूट्रल में गया है, एक हमारा फेस में आ गया है दोस्तों। अब हमने जो है खम्भे की बात करेंगे तो खम्भा वाला जो हमारा दोनों वायर है, दोनों वायर इसमें ही रहेगा दोस्तों, ये नीचे वाले हिस्से में इस तरह से बोर्ड को अंदर से आके हमारा जो खम्भा का वायर अंदर से आके उसके बाद में ये निकल के जिस तरह से हमें ये जोड़ना है उसी तरह से ये भी जोड़ लेना है। तो हमें जो खम्भा का वायर जोड़ेंगे तो वो आप भी इस तरह से जोड़ लेंगे। हमें एम सी बी बैठाना है दोस्तों। तो ये देखिए एम सी बी का ऊपर एक ये प्लास्टिक का लॉक रहता है, तो लॉक को पहले उठा कर उसके बाद में जो खाँचा है दोस्तों, खाँचे में ही बैठा लेना है। तो इस तरह से आपका एम सी बी बैठ जाएगा दोस्तों। ये देखिए अब नहीं गिर रहा है एम सी बी। तो ये देखिए लॉक यही है दोस्तों, इस तरह लॉक को हमें ऊपर कर लेना। उसके बाद में ये जो हमारा जो लॉक बना है दोस्तों, इसमें आपको अच्छी तरह से बैठा लेना है। उसके बाद ये इस तरह से दबोट देना है, आपका ये एम सी बी बैठ चुका है दोस्तों। ये देखिए नहीं गिर रहा है, इसी तरह से आपको भी कर लेना है। उसके बाद ये एम सी बी कवर हमें लगा लेना है। उसके बाद हमारा यह बोर्ड तैयार हो चुका है दोस्तों। इस तरह से हमें एम सी बी कवर लगा लेना है। उसके बाद ये हमारा जो है स्क्रो है वह हमें टाइट कर देना है। हमें स्क्रो को टाइट कर लेना है। ये देखिए दोस्तों स्क्रो को भी हमने टाइट कर दिया है। अब ये हमारा मेन बोर्ड बन के दोस्तों रेडी हो चुका है। तो अगर आप भी मेन बोर्ड बनाना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को लेकर शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखिए दोस्तों हमने जो बढ़िया वायर से एक एमएम वायर से हमें कनेक्शन भी कर लिया है दोस्तों। ये वायर हमारा बहुत ही मजबूत हो चुका है। एंकर का सब कुछ है लगा दें दोस्तों। 16 एम्पियर का जो हमारा एम सी बी है, 6 एम्पियर का साकिट है, स्विच है दोस्तों। ये देखिए हमारा जो कनेक्शन पूरा रेडी हो चुका है।